नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। विद्युत विभाग की 25 टीमों की मेहनत के बदौलत दीपावली पर्व पर पुराने शहर में विद्युत सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई। एमपीपी द्वारा दीपावली पर्व को सबसे अधिक विद्युत खपत वाला पर्व माना जाता है। विद्युत विभाग के पश्चिम क्षेत्र के कार्यपालन यंत्री राजेश हारोड ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दीपावली पर्व पर विभाग ने जनता की सुविधा के लिए 25 टीमें तैनात की थी। टीमों की मुस्तैदी की वजह से ही दीपावली पर्व पर बगैर व्यवधान के विद्युत सप्लाई की जा रही थी। यहाँ बता दें कि आम दिनों में 35 मेगावाट खपत रहती है, परंतु दीपावली पर्व पर यह खपत बढ़कर 40 मेगावाट हो जाती है। इस प्रकार 5 मेगावाट अतिरिक्त खपत दर्ज की गई है। दीपावली पर्व पर कई जगह फॉल्ट की भी शिकायतें आई, परंतु टीम ने तत्काल फॉल्ट को सुधार कर विद्युत सप्लाई जारी रखी। यही कारण है कि इस वर्ष दीपावली त्यौहार पर कहीं भी विद्युत संकट देखने को नहीं मिला। बढ़ता है उसको लोग किस प्रकार से हैंडल किया पूरी टीम ने, और किस प्रकार से पूरी टीमें लगाई गई थी, इंटरेस्ट नहीं आया इसमें सप्लाई में। जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली महापर्व मुख्यतः बिजली विभाग के ऊपर आधारित पर्व है, जिसमें रोशनी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सामान्य समय में पश्चिम शहर संभाग की डिमांड 35 मेगावाट के आसपास रहती है। दीपावली पर्व पर अधिकतम डिमांड 40 मेगावाट दर्ज की गई। इस अधिक बढ़ी हुई डिमांड एवं किसी भी प्रकार से कोई विद्युत व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए पुराने शहर में लगभग 25 टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई थी, जो किसी भी प्रकार के फॉल्ट की सूचना होने पर फॉल्ट अटेंड कर सके। दीपावली पूरे महापर्व के दौरान किसी भी प्रकार का कोई विशेष विद्युत अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। कहीं ट्रिपिंग की समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर विद्युत व्यवधान को निराकरण कर दिया गया। ओके।